हाय गाइस, मैं सर बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बालू जी सर। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, फुल फॉर्म है जिफ्ट एवं आईयूटी। जिफ्ट एवं आईयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड हेल्थ। इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बराबर परीक्षाओं में फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका फुल फॉर्म के साथ साथ डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। बीच में आप देख रहे होंगे नाशपाती आकार का यूट्रस है, एक ओवरी है, इधर भी ओवरी है। इस भाग को अंडवाहिनी नलिका या फलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और फलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं, जो भाग इस्थमस जो यूट्रस के नजदीक होता है, एम्पुला बीच का भाग हो गया, और इनफिंडिबुलम जो हो गया ओवरी के नजदीक का भाग हो गया, और एक जो कैप्चर करता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको कहा जाता है फिमरी। तो मान ले यह जो फीमेल है, किसी कारण से इसमें नपुंसकता आ गया। नपुंसकता कहने का मतलब है कि फीमेल स्टरिलिटी, दोनों भी कारण हो सकता है। मान लो कोई मेल है, इसका जो हस्बैंड है वो भी हो सकता है कि स्टराइल हो, तो मेल स्टरिलिटी। यानी किसी कारण से यह जो फीमेल है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं है, बच्चा जन्म करने में सक्षम नहीं है, या तो इसका ओवा में प्रॉब्लम है, या तो इसको सही ढंग से स्पर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि स्टरिलिटी है, तो एक टेक्निक है जिफ्ट, जिसके सहारे फर्टिलाइजेशन इस वोमेन में हो सकता है और एक बच्चा जन्म भी कर सकते हैं। वह टेक्निक क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होता है, मान ले टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बेबी का आप लोग नाम सुने होंगे, मान ले टेस्ट ट्यूब। और इसको कल्चर मीडिया में, कल्चर मीडिया का मतलब कहा जाता है कि ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन मतलब न्यूट्रिएंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर सब मेंटेन रहेगा, यानी अनुकूल वातावरण में फ्रेश ओभा कलेक्ट किया जाता है, मान ले ओभा हो गया। और इसको एक नीडल रहता है, उसके सहारे इसमें स्पर्म को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। यानी ओभा और स्पर्म को कल्चर मीडिया में क्या किया जाता है, इनिशिएशन कराया जाता है आउटसाइड द बॉडी। कहां? आउटसाइड द बॉडी। यदि दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, यानी फ्यूजन कराया जाएगा, तो फ्यूजन कराने के बाद ये बनते क्या है, जाइगोट बनेंगे। तो इस तकनीक को कहा जाता है IVF ET, यानी IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ET का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब क्या हुआ कि ए जो है से जायगोट बन गया है। तो जायगोट अभी है एक कोष की अवस्था में, वन सेल अवस्था में है, तो ए कम से कम कितने अवस्था होना चाहिए, एट कोष की अवस्था होना चाहिए, एट सेल स्टेज में क्या होगा कि यह जो है इसका टेस्ट ट्यूब से निकालकर एक टेक्निक द्वारा क्या होता है कि इसका ट्रांसफर किया जाता है। इसका क्या किया जाएगा, इसको कहा जाएगा एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो का यदि ट्रांसफर फलोपियन ट्यूब में किया जा रहा है, और दूसरा ट्रांसफर हो सकता है कि यूट्रस में किया जाए। किसके यूट्रस में किया जाए, यानी वह वोमेन जो अपने स्वयं बच्चा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं था, तो उसके यदि ओवरी में प्रॉब्लम है लेकिन इसका फलोपियन ट्यूब है, यदि फलोपियन ट्यूब सही है, तो यह क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब से निकालकर एट सेल अवस्था में एम्ब्रायो या जायगोट को ट्रांसफर किया जाएगा। कहां? जहां पर फर्टिलाइजेशन साइट है। तो फर्टिलाइजेशन जो साइट जो होता है, इस साइट को कहते हैं इस्थमस और एम्पुला के बीच में, इस्थमस एम्पुला जंक्शन, यह क्या है, फर्टिलाइजेशन साइट है। तो जायगोट को यदि ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। तो इसलिए इसको फुल फॉर्म लिख लेंगे, जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। यानी वह जायगोट या एम्ब्रियो को अंडवाहिनी नलिका के इस भाग में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहा जाता है जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। ये फुल फॉर्म हो गया जिफ्ट का, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि इस जाए, मान लीजिए कि यह फलोपियन ट्यूब भी इसका खराब है, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन उसका यूट्रस सही है, यानी ये जो भाग है, यदि ये भाग इसका यूट्रस जो है सही है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकता है, तो होगा क्या, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह एट सेल अवस्था में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर इम्प्लांटेशन होना है, यह 32 सेल स्टेज अवस्था में।
अवस्था में वह क्या होगा, जिसको डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसी को फुल फॉर्म के लिखते, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो कॉमन रूप से आप याद रखेंगे, यदि वह जायगोट जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा बना है बाह माध्यम में, उसको यदि अंडवाहिनी नलिका यानी फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा जिफ्ट, और यदि उसको ट्रांसफर यूट्रस में किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा IUT। तो हमें उम्मीद है यह वीडियो काफी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल बायोसर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।